हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये हम पीएचपी का इसका बनाएंगे। पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर रहेगा इसमें, जो हमारा टूल रहेगा हम इसमें कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो होगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज से हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारा आज के ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे वो हम इसके बेसिक सेटअप पर करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और हम इसमें किस तरह से वर्क करेंगे। तो हम इसे पीएचपी में बनाएंगे। तो पीएचपी में बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी एक सर्वर की। तो हम इसमें जो सर्वर यूज करेंगे वो होगा जेन सर्वर। सर्वर दो होते हैं जो पीएचपी के लिए बेसिकली यूज होते हैं, एक जेम्प होता है और एक रैम्प होता है। ये विंडो यूजर्स के लिए होता है। अगर आप मैक यूजर है तो आपके लिए होगा मेम। तो मैं जो इस ट्यूटोरियल में यूज करूंगा वो होगा जेम। तो आइए हम जेम किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। तो जेम डाउनलोड करने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर जो प्रीफेलो वर्जन है उसके लिए क्विक लिंक दे रखी है। जब आप मेरी वेबसाइट प्रोजेक्ट वर्ल्ड पर विजिट करेंगे तो आपको उसके फुटर सेक्शन में यहाँ पर जेम डाउनलोड के लिए लिंक मिलेगी। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। आप यहां से आपका जेम डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जेम आप अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और देन उसके बाद जो हमारी अगली जो होगी वो होगा हमें कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करना होगा। तो कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करने के लिए भी आप जब मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप जब मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर फुटर सेक्शन में जेम के जस्ट नीचे कोऑर्डिनेटर की लिंक होगी। आप यहाँ से कोऑर्डिनेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर आप 2x वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। इस पर हर प्रकार की यूटिलिटी सपोर्ट करती है, इसमें कुछ यूटिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो आप 2x डाउनलोड कीजिएगा। तो आप कोऑर्डिनेटर डाउनलोड कर लेंगे, देन जेम डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा आपके सिस्टम पर। और उसके साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर होता है कोऑर्डिनेटर के आपको जिप प्रोवाइड होगी। तो जो कोऑर्डिनेटर की जिप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें ये कोऑर्डिनेटर की जिप है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया है और जेम्प मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो आप इसे जेम्प डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और आपको ये कोऑर्डिनेटर की जिप मिलेगी। तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से। हम करेंगे स्टार्ट हियर, तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। देन इसके बाद हमें एक और हमारा जो टूल है वो डाउनलोड करना है। तो हमें एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। टेम्पलेट क्योंकि ये हमारा एक एडवांस प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम एचटीएमएल डिजाइनिंग करेंगे। हम इसमें एडवांस लेवल पर डेवलपमेंट सीखेंगे, एक एडवांस डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज करेंगे। तो आप टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जब जाएंगे, तो मेरी वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर डेवलपमेंट टूल्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो होगी। यहाँ से आप डेवलपमेंट टूल में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एडमिन टेम्पलेट फ्री डाउनलोड मिलेगी। आप इस पर व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका यहाँ से सिंगल पेज होगा। यहाँ पर इस टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन होगी। आप यहाँ से इस टेम्पलेट पर जब क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये एक गिटहब लिंक प्रोवाइड करेगा। जब उसके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक गिटहब की लिंक मिलेगी। यहाँ से आप जब गिटहब पे जाएंगे तो आप यहाँ से इसका जो जिप, अगर आप विंडो यूजर तो आप यहाँ से जिप डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइनेक्स यूजर मेक यूजर भी यहाँ से जिप डाउनलोड करें। और अगर आप लाइनेक्स यूजर है तो आप यहाँ से टार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से इसकी प्रोजेक्ट की पूरी जिप मिल जाएगी। प्रोजेक्ट की जिप मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी एडमिन एलटी करके जिप डाउनलोड होगी। तो इसे आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जिसकी साइज 18 MB, इसलिए से एक्सटेंड होने टाइम लगेगा, उसके अंदर फाइलें ज्यादा है। तो हमने हमारे तीनों टूल्स पर डिस्कस कर लिया कि हमें एक जेम सर्वर की जरूरत होगी, देन कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क डाउनलोड करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जेम और कोऑर्डिनेटर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, और टेम्पलेट के बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब जेम इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जब जेम को स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह का कंट्रोल पैनल मिलेगा।
आप यहाँ से जेम को स्टार्ट कर लेंगे, पर आप अपाचे को स्टार्ट कर लें, माइस्केल को स्टार्ट कर लें। अपाचे आपका वेबसाइट होस्ट करने में वर्क करता है और माइस्केल आपका डेटाबेस है। तो जब आप चेक करना चाहते हैं अगर इन्हें करने के बाद कि आपका जो जेम पे वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि, तो आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और जब एंटर हिट करेंगे अपने यूआरएल पर तो आपको इस तरह की एक विंडो मिलेगी जिसपे आपके पूरा कौन कौन सा आपके इसमें पैकेज इंस्टॉल है, अपाचे MariaDB एंड PHP और पार्ल और आपके जो जेम का वर्जन है वो क्या है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो जेम पे वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है तो उसकी जो लोकेशन होती है वो होती है सी ड्राइव के अंदर जेम देन एसटीडॉक। एसटीडॉक में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर जेम फोल्डर के अंदर सब कुछ मिलता है और एसटीडॉक का जो फोल्डर होता है इसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे वो इस जेम फोल्डर में करेंगे। तो आइए हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं। तो वही हमारा जेम के अंदर हम एसटीडॉक पर एसटीडॉक के अंदर हमारा फोल्डर होगा ट्यूटोरियल्स और ट्यूटोरियल्स के अंदर होगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा यहाँ ट्यूटोरियल नाम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसमें हम नाम देंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। देन ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर हिट करें लोकल होस्ट स्लैश स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देन हिट करेंगे तो शायद स्पेलिंग प्रॉब्लम कर दी हमने, पर हम कॉपी करते हैं यहाँ से पेस्ट देन करने पर सामने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के अंदर हमारे डायरेक्ट नहीं है, हमने गलती कर दी ट्यूटोरियल्स तो यहाँ पर स्कूल में सिस्टम है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर मिल रहा है क्योंकि अभी हमारे इसमें कुछ भी नहीं। तो अब इसमें हम हमारी कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने डाउनलोड्स में इसे डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ से हम इस पूरी फ्रेमवर्क को कॉपी करेंगे कोऑर्डिनेटर को और हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो मैं उसे पेस्ट करते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इसे अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसका वेलकम पेज आ जाएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर का वेलकम पेज आ चुका है जो इसका डिफॉल्ट व्यू होता है। तो आइए हम थोड़ा सा बेसिक कोऑर्डिनेटर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटर बेसिकली एक एमवीसी फ्रेमवर्क है जो PHP लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो इसे का एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो आप जब इसके एप्लीकेशन फोल्डर में जाएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा कंट्रोलर देन उसके बाद मिलेगा आपको मॉडल्स और एक होगा व्यूज। तो कंट्रोलर में आप कंट्रोलर जो भी कंट्रोलर आप क्रिएट करेंगे आपकी जो प्रोग्रामिंग के लॉजिक होंगे वो आप यहाँ पर रखते हैं कंट्रोलर्स में। देन उसके बाद जो व्यू होता है व्यू के अंदर आप आपकी HTML फाइल्स जिसमें आप आपका HTML फ्रंट एंड कोड वो रखते हैं और मॉडल्स के अंदर आप आपकी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरियां स्टोर करके रखते हैं। तो इन्हें हम प्रैक्टिकली हमारे अगले प्रोजेक्ट जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा तब हम इसे प्रॉपर समझेंगे। तो ये हमारा बेसिक इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं टूल्स देन टूल्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे CSS JS और इमेज। तो इसके अंदर हम हमारी जो भी CSS इमेज और JS होगी वो हम रखेंगे। तो ये हमारा बेसिक क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी टेम्पलेट को सेटअप करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप टूल्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।